फाउंडेशन एक ऐसी चीज है जो लिपस्टिक के बाद सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मेकअप प्रोडक्ट है। ये हमारे फेस पे स्मूथ बेस देने का काम करता है, फेस पे जितनी भी इम्परफेक्शननेस है उसको छुपाने का काम फाउंडेशन करता है, बहुत ही फ्लॉलेस से लुक देता है। लेकिन यही फाउंडेशन अगर ठीक तरह से ना लगाया जाए तो एक केकी सा मेकअप लुक देता है जो बहुत ही ऑड लगता है। फाउंडेशन लगाते टाइम कुछ लोग कॉमन से मिस्टेक्स करती है जिसकी वजह से उनका फाउंडेशन सही से नहीं लग पाता है। अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लोगे तो शायद आप वो गलतियां ना करो एंड एक परफेक्ट सा फ्लॉलेस फाउंडेशन लगाना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आपको बताते हैं 5 फाउंडेशन मिस्टेक दैट एवरी गर्ल शुड नो। मिस्टेक नंबर 1, यूजिंग टू मच ऑफ फाउंडेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा फाउंडेशन लगा लेंगे तो बहुत ही परफेक्ट सा मेकअप लुक आ जाएगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वो बहुत ऑड सा लगता है। आजकल नो मेकअप वाला मेकअप लुक ज्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज के जो ब्राइडल मेकअप लुक होते हैं उसमें भी कितना कम मेकअप वो लोग यूज करते हैं, बिल्कुल नो मेकअप लुक रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। एंड कुछ लोग डेली वेयर में ही इतना ज्यादा मेकअप लगा लेते हैं जो बहुत ही ऑड लगता है। आपको फाउंडेशन लगाते टाइम हर टाइम एक पतली सी लेयर लगानी होती है, ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना होता है एंड उसको प्रॉपरली बढ़िया ढंग से ब्लेंड करना होता है। अगर आप सही से ब्लेंड करोगे तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा। एंड गलती से अगर आपने ज्यादा फाउंडेशन ले लिया तो उसको आप कैसे सुधारोगे? अगर गलती से ज्यादा फाउंडेशन आपने लगा लिया हो तो आपको एक प्लेन ब्रश, बिल्कुल नॉट यूज ब्रश या फिर ब्लेंडर ले लेना है, उसको पानी में थोड़ा सा गीला कर लेना है और उसको निचोड़ लेना है एंड फिर उससे अपने फेस पे टैप 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 करना है तो जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल फाउंडेशन का आपके फेस पे लगा हुआ होगा वो उसमें आ जाएगा और काफी फ्लॉलेस से आपका फाउंडेशन लग जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, नॉट यूजिंग मॉइस्चराइजर। कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ही अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लेते हैं, उससे पहले सही से अपने फेस को मॉइस्चर नहीं करते हैं। पॉल्यूशन और डस्ट की वजह से हमारे फेस पे कुछ कुछ जगह जो होती है वो ड्राई हो जाती है। आपकी स्किन चाहे कितनी भी ऑयली क्यों ना हो लेकिन कुछ कुछ जगह पे ड्राइनेस आ ही जाती है। अगर वही ड्राइनेस वाली जगह पे आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगा दोगे तो उधर से थोड़ी देर बाद फाउंडेशन में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं जो आपका मेकअप लुक काफी खराब सा कर देते हैं। इसीलिए फाउंडेशन लगाने से पहले प्रॉपरली अपने फेस को मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। इसीलिए आपको जो भी सुटेबल मॉइस्चराइजर है फाउंडेशन लगाने से पहले वो अप्लाई कीजिए या फिर विटामिन सी सीरम आते हैं वो आप लगा सकते हो। अगर ये चीजें आप मेकअप करने से पहले लगा लोगे ना तो आपके फाउंडेशन का इतना स्मूथ फिनिश आएगा, इतना फ्लॉलेस फिनिश आएगा कि आप जान ही नहीं पाओगे कि आपके मेकअप में इतना ज्यादा डिफरेंस एक सिर्फ विटामिन सी सीरम ला सकता है। मिस्टेक नंबर 3, ट्राइंग टू कवर योर ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स विथ फाउंडेशन। कई लोग क्या गलती करते हैं कि अपने फेस पे जितने डार्क स्पॉट होते हैं, जो ब्लेमिशी होते हैं, उसको कवर करने की कोशिश अपने फाउंडेशन से करते हैं। फाउंडेशन का काम होता है आपको एक इवन टोन स्किन देना, एक बढ़िया वाला ग्लो देना एंड स्मूथ सा बेस देना आपके फेस को। उसका काम ये नहीं होता है कि आपके डार्क स्पॉट को वो कवर करे, वो काम होता है कंसीलर का। कई लोग सोचते हैं कि हम जिधर डार्क स्पॉट है उधर ज्यादा फाउंडेशन लगा लेंगे एंड फिर उसको ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। आपको हमेशा फाउंडेशन की एक पतली सी लेयर लगानी है एंड जितने भी डार्क स्पॉट आपको हाइड करने हैं वो हमेशा कंसीलर से ही करने हैं तो ही आपका परफेक्ट लुक आएगा। मिस्टेक नंबर 4, नॉट पुटिंग कलर बैक टू हाईलाइट योर फीचर्स। जो हमारी ओरिजिनल स्किन टोन होती है उसका बहुत ही सुंदर सा एक ग्लो होता है, बहुत ही सुंदर सा एक कलर होता है। जो फाउंडेशन की लेयर अगर हम जब मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन यूज करते हैं तो वो दबसा जाता है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ही ओरिजिनली शाइनी होती है, विदाउट मेकअप उनकी स्किन काफी ज्यादा शाइन करती है, जब वो फाउंडेशन लगा लेते हैं तो उनकी स्किन काफी डल सी हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसको ठीक करने के लिए आपको हमेशा फाउंडेशन लगाने के बाद एक प्यारा सा ब्लशर लेके उसको लगाना चाहिए। आपको फाउंडेशन लगाने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्लशर लगाना, तो वो आपको काफ़ी नेचुरल सा लुक देगा। जो ग्लोई सा लुक आप चाहते हो, नेचुरल वाला, ओरिजिनल स्किन वाला, वो लुक आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ब्लशर ना हो तो आप कोई क्रीमी पिंक कलर की लिपस्टिक ले लेनी है, ब्लशर के जगह पे वो लिपस्टिक आपको लगा लेनी है, तो जो आपको बिल्कुल परफेक्ट डायमेंशन वाला मेकअप लुक चाहिए वैसा लुक आपका आ जाएगा एंड बहुत ही प्यारा सा ये लगता है।
तो पांचवी फाउंडेशन मिस्टेक बताने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे भी मिल पाए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब नाउ। और आपको बताते हैं मिस्टेक नंबर 5। तो मिस्टेक नंबर 5 है नॉट चूजिंग करेक्ट फाउंडेशन फॉर योर स्किन टाइप। काफी लोग सोचते हैं कि ये फाउंडेशन और मेकअप तो हमारे स्किन पे सही से सूट ही नहीं करता, बहुत ही बेकार सी चीज होती है फाउंडेशन, ठीक से हम पे कभी भी सूट ही नहीं करता है। उसका रीजन शायद ये भी हो सकता है कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग परफेक्ट फाउंडेशन सिलेक्ट नहीं किया हो। आपने देखा होगा कुछ लोग फाउंडेशन लगाने के बाद कुछ लोगों की स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, वो इसीलिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं लेते हैं। जो नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको हमेशा एक पाउडर बेस या फिर मैट फिनिश वाला फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए। एंड जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनको हमेशा एक क्रीमी बेस फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए। इस तरह से फाउंडेशन सिलेक्ट करके आप लगाओगे तो आपको बिल्कुल परफेक्टली आपका मेकअप लुक आएगा एंड बहुत ही बढ़िया आपका फ्लॉलेस वाला लुक आएगा। मॉइस्चराइजर और विटामिन सी आप लगाते हो फाउंडेशन लगाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आपको प्राइमर भी ऑलवेज लगाना ही चाहिए। आप कभी भी फाउंडेशन लगाओ उसके पहले प्राइमर जरूर लगाइए, क्योंकि हमारे स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं तो उसके अंदर फाउंडेशन ठीक से सही से ब्लेंड नहीं हो पाता है, इसलिए पहले प्राइमर लगाना चाहिए एंड देन फिर फाउंडेशन अप्लाई करना चाहिए, तो बिल्कुल स्मूथ सी फिनिश आपके मेकअप की आएगी। तो ये 5 मिस्टेक का ध्यान आपको रखना है तो आपका फाउंडेशन बिल्कुल सही से फ्लॉलेसली लगेगा। एंड ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।